दोस्तों आईबीए से एक एग्जाम जिन्होंने 15 अक्टूबर को दिया था, उन्होंने जान रहे होंगे कि आईबीए से एक एग्जाम में कितने कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं और वेबसाइट पे जाके जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और भी बहुत से चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे में एक नया अपडेट आया है जो 20 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। दोस्तों एक ऑनलाइन वेबसाइट है, यानी कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर की वेबसाइट है जो कि अपने न्यूज़पेपर में छापा है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं क्या उन्होंने छापा है और क्या नया अपडेट आया है और इसके और आगे हमें कैसे जाना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने द इंडियन एक्सप्रेस की ये जो पेपर है इसे दिखाया है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो पेपर है 20 अक्टूबर को रिलीज किया गया है और यहाँ देख सकते हैं आईबीएस कंडक्ट एग्जाम के लिए कॉपीड पेपर मिसमैनेजमेंट कैंडिडेट टेक ऑन ट्विटर, ये चीज़ इनकी हेडिंग है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत से बच्चे ट्विटर पर आए हैं और इन्होंने कहा है आईबीएस एग्जाम फेल्ड और ट्वीट करके यहाँ पे बताया और बहुत से लोगों को यहाँ टैग किया गया, जैसे राजनाथ सिंह को टैग किया गया है। आई बी री एग्जाम के लिए बोला गया राजनाथ सिंह की, MHO को, HMO इंडिया को टैग किया गया है, PMO इंडिया को, नरेंद्र मोदी को टैग किया गया है। इन्होंने बहुत से कहा कि ये जो क्वेश्चन गलत हुए थे, ये जो पेपर हुआ था इसको रिकंडक्ट कराया जाए। यहाँ पे ऐसे ट्विटर पे आए हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये और बहुत से पेपर यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, दोस्तों ऐसे में अगर आपके पास भी ट्विटर अकाउंट है तो आप भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कि इन्होंने MHO इंडिया को टैग किया है तो आप भी टैग कर सकते हैं, राजनाथ सिंह को भी टैग कर सकते हैं, रिपब्लिक को भी टैग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी टैग कर सकते हैं। ऐसे में टैग करने से यह जो न्यूज़ होगी और वायरल हो जाएगी। ऐसे में जो आईबी ने नया डिसीजन लिया है कि हमारा जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर जो गलत हुए थे उसे हम कैंसिल कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ जाने के लिए हम पहले चलेंगे dlk.com पे और यहाँ पे एडमिट कार्ड में आईबी, ये रहा आईबी, और आईबी से हम पहुँचेंगे इसकी होम पेज पे। अभी हम यहाँ पे से इसके एडमिट कार्ड पे पहुँच रहे हैं, एडमिट कार्ड से हम यहाँ के इसके होम पेज पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये देखिए ओपन हो चुका है। और इसके होम पे देख सकते हैं जो जो पेपर कैंसिल, जो जो क्वेश्चन गलत थे उसको पूरे पूरे आईबी ने हटा दिया है और उसे अपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करा है, नंबर में ऐड नहीं करा है किसी को भी नहीं। ऐसे में यह अपने जो क्वेश्चन को जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं 2, 4, 2, 24, 25, 78 जो क्वेश्चन पेपर गलत है उन्हें पूरे पूरे हटा दे रहा है। ऐसे में यह अपने जो आईबी का एग्ज़ाम है इसे आगे बढ़ाने की प्रोसेस कर रहा है। ऐसे में जो जो भी पहले पहुंच गया था वो तो अपना एग्ज़ाम पहले बढ़िया से दे चुका था, या फिर जो भी उस वेबसाइट पे पहुंच गया था जिस वेबसाइट की पूरी पूरी कॉपी थी, तो ऐसे में उसका तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया था उसे तो क्या बताएं यार। दोस्तों ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि यह जो पेपर जो है कैंसिल हो जाए। ऐसे में अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो आप भी ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं और इन लोगों को टैग कर सकते हैं ताकि और भी आवाज़ इसको और भी बुलंद किया जाए। तो ऐसे में ये जो बुलंद आवाज़ के लिए ट्विटर एक बहुत बड़ा साधन भी हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो ट्वीट करिए और कमेंट करके बताइए कि आईबी के एग्ज़ाम को कैंसिल होना चाहिए, ट्वीट करिए। ऐसे में जैसे जैसे ट्वीट बढ़ेंगे तो यह चीज़ ट्रेंडिंग में आ सकती है, अभी न्यूज़पेपर में आया है, आगे जाके टीवी चैनल में भी आ सकता है। तो शायद से यह जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो जाए और आप फिर से रिकंडक्ट हो और यह एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कराया जाए। तो ऐसे में जल्दी से आइए, ट्वीट करिए और कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम को कैंसिल होना ही चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ताकि और भी लोग इसके बारे में जो है जान सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही।